नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करणजीत कौर और जिले रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हरे धनिये की चटनी। हरे धनिये की चटनी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, तो यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे धनिये का जो हमारी इंडियन कुजिन में जो है बहुत बड़ा रोल है। हम इसे चाट के साथ, पकौड़े के साथ और उसके अलावा सैंडविच या कई तरह की जो है प्रिपरेशंस में इसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप जो है हरा धनिया, इसे साफ़ कर लेंगे। उसके साथ ही हमें चाहिए 1/2 कप पुदीना पत्ती, नहीं भी हो तो आप स्किप कर सकते हैं और पूरी तरह से ऑप्शनल है ये। उसके साथ ही हम लेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा कच्चा और उसके साथ ही हम जो है 2 से 3 टीस्पून जो है सफ़ेद तिल, नमक स्वाद अनुसार और 1 हरी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और खट्टेपन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसमें नींबू। नींबू की जगह आप जो है वो दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून जो है आप गाढ़ा दही इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप खट्टेपन के लिए कैरी का अगर सीज़न है और अवेलेबल है तो कैरी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो बिना रेशे की बिल्कुल कच्ची कैरी होनी चाहिए, छील के इस्तेमाल करें। और टमाटर के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से 4 वर्जन इस रेसिपी के तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इस रेसिपी को अपनी किसी अलग इंग्रेडिएंट के साथ बनाते हैं तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है हरे धनिये को बारीक कट कर लेंगे और इसे हम जो है वो मिक्सी में ऐड कर देंगे और इसे जो है हमें करना है ब्लेंड। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर हमें पानी या कोई भी लिक्विड अभी इसमें ऐड नहीं करना है। इसको सिंपली जो है एक बार क्रश कर लेना है। तो मोटा मोटा जब ये क्रश हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये क्रश हो गया है बिना पानी के। अब इसमें हम ऐड करेंगे पुदीना पत्ती। और पुदीना पत्ती मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसका रेशियो जो है, जैसे हमने 1.5 कप जो है धनिया पत्ती ली थी तो आप 1/2 कप जो है वो पुदीना पत्ती इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुदीना पत्ती अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो पुदीना का फ्लेवर जो है हरे धनिये की चटनी में ज़्यादा आ जाएगा और हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट भी जो है वो 1 by 1 जो है इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले टुकड़ों में तोड़ करके या कट करके आप हरी मिर्च ऐड करें और उसके साथ ही आपको ऐड करना है 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 से 3 टीस्पून जो है सफ़ेद तिल, नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पर जो है हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, 1 टेबलस्पून पानी जो है वो हम ऐड करेंगे नमक को ऐड करने के बाद। तो उससे क्या है, जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो आसानी से हमारी जो पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती है वो पिस करके चटनी की फॉर्म में जो है वो आ जाएंगी। तो चलिए पानी हमने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून और अब इसे जो है हम ब्लेंड करेंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि बीच बीच में आपको जो है कंटिन्यू नहीं चलाना है, बीच बीच में आप इसको जार को ओपन करें और पत्तियों को जो है वो मिक्स करते रहें ताकि जो ऊपर की बिना पिसी हुई पत्तियां हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स होती रहें। और ज़रूरत लगे तो आप इसमें फिर से 1/2 टेबल स्पून जो है वो पानी ऐड करें और इसको नाइस ब्लेंड कर लें। तो 2 से 3 बार चलाने में आपकी जो चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छा कलर जो है वो चटनी का आ गया है। तिल ऐड करने की वजह से इसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी बढ़ गया है और नींबू जो है इसमें विटामिन सी होता है, तिल से जो है हमें कैल्शियम मिलता है। तो बनाइए और इस चटनी को आप खाइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।